सर नमस्ते, मैं हूँ चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं गुड न्यूज लेके आया हूँ उनके लिए जिन्होंने कि इग्नू में एग्जाम दिया होगा जून में, तो उनका रिजल्ट जो है वो इग्नू की वेबसाइट पे आ गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है और ग्रेड कार्ड वगैरह कैसे चेक करना है। तो इस वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका कि मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप आइएगा तो नीचे ही देखिएगा एक नई लिंक जो है वो आ गई होगी, इग्नू डिक्लेयर टर्म एंड रिजल्ट एंड ग्रेड कार्ड फॉर जून एग्जाम। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे रिजल्ट शो होगा और ये यहाँ पे आप इग्नू का ग्रेड कार्ड देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक रिजल्ट देख के बताता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद सिंपली से यहाँ पे आपको एक जो रोल नंबर है आपका 9 डिजिट का वो यहाँ पे फिल करना होता है। यहाँ पे सबमिट कर देने के बाद देखिए इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे स्टूडेंट ने ये वाले मार्क्स जो है हासिल किए हैं। तो ऐसे आप सिंपल सा अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे और इसके बाद आप ग्रेड कार्ड भी यहीं पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए वापस पीछे आ जाइएगा और इस वाले लिंक पे, इन सबका मैं अलग अलग लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप आसानी से देख पाए। तो ग्रेड कार्ड चेक करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपका जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है और उसके बाद आपको सिंपल सा सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपका ग्रेड कार्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रेड कार्ड में यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिखा रहा है नॉट कम्प्लीट है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इग्नू की जो प्रॉपर पूरी रिजल्ट है वो आई नहीं है, तो एक दो सब्जेक्ट अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप घबराइएगा नहीं, वो दोबारा अपडेट जब होगी तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो 3:54:33 पे की गई है, तो दोबारा जो कोई भी अपडेट आता है तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा और आपका रिजल्ट जो पेंडिंग होगा वो भी आ जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको रिजल्ट देखने में कोई परेशानी हो रही है तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार।